शहर के संगम चौरास्ते के पास पानी की लाइन में हुए लीकेज अंतर्गत आज वडोदरा शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी ने स्थल पर पहुंचकर कॉरपोरेशन तंत्र तथा भाजपा शासन तंत्र पर तीखे प्रहार किए थे। वडोदरा शहर में आए दिनों पानी की लाइन में लीकेज अब एक मामूली घटना हो चुकी है। बावजूद तंत्र द्वारा इसे मरम्मत करने के अलावा रोकने की कोई ठोस कामगिरी नहीं की जा रही। शहर के संगम चौरास्ते के पास सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक बार फिर पानी की लाइन में लीकेज होते हुए यहां पर शुद्ध पानी की बर्बादी हो रही है। हजारों गैलन पानी पिछले 7 दिनों से लगातार बह रहे की जानकारी प्राप्त होते हुए आज एक बार फिर यही परिस्थिति का निर्माण होने के बीच वडोदरा शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक जोशी ने स्थल पर पहुंचकर कॉरपोरेशन तंत्र तथा भाजपा शासन पर तीखे प्रहार किए थे। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास टैक्स के रुपए की वसूलात करने के बावजूद लोगों को चाहिए वैसी प्राथमिक सुविधा देने में कॉरपोरेशन तंत्र सरासर निष्फल साबित हुआ है। ऐसे में हाल ही में सिंध रोड स्थित पानी की मुख्य लाइन में हुआ लीकेज भी ये भ्रष्टाचारी कामगिरी को उजागर करता है, वैसे गंभीर आरोप लगाते हुए तीखे प्रहार किए गए। वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी जो 27 वर्ष कुशासन है एम आज प्रजा ने बे टाइम चोख्खू पानी नहीं मळतु। जे प्रजा वेरो भरे जे वेरा वर्तर ना मळे, पायानी सुविधा ना मळे, अने पानी नो मुद्दो बहु मोटो मुद्दो है। कारण के भारतीय जनता पार्टी नेताओं जयरे मीडिया में आए अथवा कोई जगह भाषण आप जाए तरह बात मोटी मोटी करवानी, अने कॉर्पोरेशन नी अंदर कागळ पर बधा कामों थई गया छे एवुं बतावामां आवे, पण जे त्यारे तमे रस्ता पर आओ, स्थळ पर आओ, त्यारे तमे जुओ तो असलियत हकीकत कंई अलग छे। अने एनुं जीवतुं जागतुं उदाहरण आ जे विजयनगर बाजू जे रोड तमे जुओ के जे संगम चार रस्ता बाजू जे रोड जाय छे ज्यां सुएज पंपिंग स्टेशन छे इंद्रपुरीनुं, एनी बहार ज आजे पीवाना पाणीनी लाइनमां जे भंગાળ પડેલું છે। અહીંયા આજુબાજુ જે સ્થાનિક ને દુકાનવાળા જેમને પૂછ્યું તો કીધું કે ગયા શુક્રવારથી અહીંયા ભંગાણ પડ્યું છે। एक बाजू वडोदरा शहर की प्रजा पानी माटे पीवाना पानी ना माटे वलखा मारे, अने अहींया छेल्ला लगभग आज 5 दिवस थई गया अने पानी नी लाइन लीकेज थई गई छे, तो पण आ विस्तारना कोई स्थानिक कॉर्पोरेटरो, कोई धारासभ्य के भाजपना कोई नेता के कोई अधिकारीए तस्दी पण नथी लीधी के अहीं आईने रिपेरिंगनुं काम करे अथवा तो आ जे पाणीनो वेड़फाट थई रह्यो छे एने कई रीते बंद करे। कारण के एक बाजू पाणीनो सड़कतो मुद्दो छे, तमे जुओ के वडोदरा शहर में केटला बधा विस्तार एवा छे ज्यां प्रजा ने पाणीना जग मंगावा पड़े, टैंकर मंगावा पड़े, आके पीवानुं पाणी एमने मळतुं नथी। त्यारे आजे एक बाजू आ हालत छे, अहींथी घणा बधा लोको जता हशे, भाજપના નેતાઓ પણ જતા હશે, પણ તોય તસ્દી કોઈ લેતું નથી। માટે મીડિયાના માધ્યમથી પ્રજાને અમે જાગૃત કરવા માંગીએ છીએ, અને બીજું જે અધિકારી છે એ અધિકારીને પણ અમે રજૂઆત કરીશું કે તાત્કાલિક આ જે પાણીની લાઇનમાં ભંગાણ પડ્યું છે એ તમે અહીંયા રિપેર કરીને જે પ્રજાને ખરેખર પાણી પીવાનું મળ્યું છે, પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે, તમે જુઓ કેટલું મોટું પાણી, કેટલી મોટી સંખ્યામાં પાણી એથી જઈ રહ્યું છે, એટલે એની અમે અધિકારીને પણ રજૂઆત કરીશું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ જે છે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એમને પણ અમે વાત કરીશું।